इसके करने से दुख और काफी धन धनादि वृद्धि और तथा सर्व विजय प्राप्त होती है। मनुष्यो भक्त किसी भी दिन सैकाल में पूजा करें और भाई ब्रह्म तथा ब्राह्मणों के साथ उत्तम हो केले का फल सबका दूध गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण अथवा गुड़ मिलाकर सभा कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करा और दक्षिणा दें। शोकागम सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाइए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन्होंने इस व्रत को पहले किया कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन संतान नामक एक ब्राह्मण प्रेमी भगवान ने नारायण दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मणों के रूप धारण कर अति आदर से बोले, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी का अपनी तक घुमा करते हैं? बोला, मनोरथ को पूर्ण करने वाला देवन और हाथ देने वाला सिद्धि को देने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको प्रसाद से धन धनादि प्राप्त होते हैं। ये सुनकर लकहार प्रसन्न एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा द्रव्य समय सद्योग को वर्क अवश्य करूंगा। बनिए राज के लिए धन को परिपूर्ण को सबको बुलाकर कहा, हाथ जोड़कर नमस्कार कर भद्रशिला नदी के तट पर सद्योग को वर्क कर कहा, उचित समय आया। बनिए राज के लिए बहुत से परिपूर्ण को नाव नदी के तीर पर लगा के छीप गए। वह राजा को व्रत करते हुए देखा, पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप क्या करते हैं? हमसे विस्तार पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधव, एक बस विष्णु भगवान के पूजन है जो अपने बांधों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार कर बोला, हे राजन, व्रत को मुझसे कहिए क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत को बस होगी थोड़ी ही समय में लीलावती अनुचित से गर्भवती हो गई है। नौवे माह से एक कन्या उत्पन्न हुआ। जैसे चंद्रमा को प्रतिदिन कन्या बढ़ती गई, एक दिन श्री सत्यनारायण को नवीन कथा सुनकर लीलावती से अनुचित से गर्भवती हो गई। नौवे माह से एक कन्या उत्पन्न हुआ। बनियाराज के लिए जैसे शुभ पक्ष चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, कन्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ कन्या दातुन कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प आप क्यों नहीं कराते? साधु बोला, हे प्रिय, इसका विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। संकल्प कर चला गया। साधु बोला, हे प्रिय, इस मधुर वचन बोली जब इसीलिए इसका विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। साधु समझा कर बारह चला गया। इधर पिता की नीत ने बढ़ने लगी। एक दिन दूध को बुला के कंचन नगर में बेच दिया उस वसी पुत्र के साथ। साधु ने विवाह कर दिया। वसी पुत्र को लेकर हाथ जोड़ कर नमस्कार कर इससे सुंदर लड़के को देखे जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वसी पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भागवश्य विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। होकर कुछ चतुर सौकार व्यापार की इच्छा से दमाद को लेकर व्यापार करने लगे। समय स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट जगह श्राप दिया, तेरा पर भरा भारी दुख पड़ेगा। सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर श्राप दिया।
दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धान को चुरा कर पिसर दिशा को चले गए, साधु को दिशा को चले जाने पर दौड़ते हुए राजा को दूतों को आता देखकर धन को रख कर छिप गए। राजा ने साधु ने तक आकर बोले, धन को देखा तो साधु को बंद कर निकालना बंद कर दिया। इतिहास ग्रंथ पुराने रेवा खंड श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम रहे नमः स्वाहा, ओम अंगनाय नमः स्वाहा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अशोक जी की माया से चंद्रकेतु राजा उन दोनों बनियों कुछ भी नहीं सुना, उनका सब ध्यान हो गया। श्री सत्यनारायण के साथ साधु दमाद बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने धान को चुरा कर आने पीट कर भाग कर लाकर घर घर में घूमने लगी। कन्या भी धिक्कार करने लगी, हे पुत्री तक तुम्हारे में क्या जो कुछ है वो हम कहेंगे। कुछ रात गए तब भाई बंधु तथा लौकी कलौती का धिक्कार करने लगी, इतनी रात तक तुम्हारे मन में क्या है। कन्या माता सत्य वचन बोली, हे माता मनोक पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण को व्रत हमको देखी हूँ। ब्राह्मण के घर में साधु को दिशा को चला गया, बांधव ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब उसको रोते हुए तू मेरा प्रिय सदा मुँह फेरे रहता है और मेरे चक्र में बार बार दुख मिला। श्री सत्यनारायण स्वामी ने संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को सब दिखाया। हे राजन कल सवेरे दोनों सज्जन बनियों को सिर्फ छोड़ देना, उनका जो तूने धन लिया उसे दे देना, यह धन राजपुत्र सब नष्ट कर देंगे। श्री सत्यनारायण प्रभु धन हो गए। तब प्रतिकाल के समय में यह बात राजा ने कहकर सत्य प्रभु धन हो गए। तब प्रतिकाल के समय में राजा ने नीच जनों के साथ सभापति मंत्रियों से अपना शब्द सुनाया और बांधने वो बनियों को सिर्फ छोड़ दो ऐसा दे दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों कुछ बनी खाने छुड़ा कर लाए हैं। बनी तो बचन बोले, हे महाराज हम दोनों बनियों कुछ भी ना सुना, बनो छुड़ा कर लाए क्या क्या है। महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर अभी कृपया समझ जाती हूँ, अभागवश्य तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों ने हाथ निकलवा कर वस्त्र देकर फिर आभूषण देकर विदाई कर उनका दोनों धन देकर प्रसन्न किया। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कर आपकी कृपा समझ जानते हो। इतिहास ग्रंथ पुराने रेवा खंड पंचम अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। एक बार बोलिए सूर्य ने कहा मूर्छा पाके भूमि पर गिर गया और कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण खड़े रखा और मेरे जन्म बर्बाद दुख मिला। चिंता करने लगे, साधु से दमाद बोले, बेर संकल्प का जो दैनिक वही कुछ कर सकते हैं, हमसे संशय नहीं, इसीलिए उन्हीं के शरण में चलो क्योंकि मनोरथ पूर्ण उन्हीं से होगा। साधु दमाद के वचन सुनकर दंडित के पास गए और दंडित को प्रणाम कर युक्त वचन बोले, युक्त वचन बोला, जो मैंने कहा उस अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा की योग्य यह कहकर बार बार नमस्कार को शोकाकुल हो गया। तब दंडित उसको रोते हुए
बोले रोमर तू मेरा पूरा सुराम खेड़े रहता है और मेरे शेष तुम बार बार झूठ मिला यह बचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु बोला हे स्वामी मैं आपको मोहित हूँ बुढ़े में कैसे जान सकता हूँ आपके बने गुण रूप नहीं जानते आपको मोहित हूँ बुढ़े में कैसे जान सकता हूँ अंत हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए स्थान विस्तार से पूजन करूंगा मैं शरणागत हूँ मुझे पहले उतना दोगुना धन विस्तार से पूजन करूंगा। हाथ जोड़कर नमस्कार कर तो ठाकुर हो गया तब भवन संतुष्ट हो गए और मनवाचित फल देकर धन से परिपूर्ण को नल कर छिप कर सदैव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ यह बात अपने जनों से कहती हुई सदैव जी की कृपा से व्रत पूर्ण हुआ। हाथ जोड़कर नमस्कार कर देश को चले जाते हैं अपने नगर को चले जाते समीप साधु गमार वसीपुत्र को लेकर वह दूत नगर में जाकर धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला ग्रामा निकट सौकार सौकारिष्ट मित्र धन के साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हृष्ट हो गया बहुत से इष्ट मित्र और धन से साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हृष्ट हो गया प्रकार को वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कराओ लड़की प्रसाद को भूल से न खाकर और जल पीकर चली गई। इस सदैव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से ही जल में डुबा दिए पर देखा बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर गई। साधु ने कन्या से अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा क्या कथा नाव चलाने वाले की चिंता करने लगे न जाने किस देवता का अनादर से नाव पर जन्म नहीं देख रहा हूँ। अति बिहाल होकर रोने लगे अपने पति से कहने लगे इसी क्षण नाव के साथ साथ अलचित अलचित हो गया किस वैश्य की अनादर करने से नाव का जन्म नहीं देख रहा श्री सत्यव महात्मा को कौन जान सकता है यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी स्वामी को न देखती हुई अति दुखी वृत्त वचन बोला अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सदैव ही नष्ट कर दिए बारंबार चला गया हूँ सदैव से यह गर्व मांगा जब हमारे पति दवा घर आवे तो मैं इस वंश को वश करूंगा मेरा पति दमाद दुगना को क्षमा कीजिए क्षमा की योग्य है। सत्यनारायण स्वामी ने भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त को सदैव जी की कृपा से कर सुमान हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग करके आई है इसीलिए इसी चलिए विलम्ब मत कीजिए। तब कलौती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगे अब शीघ्र ही घर चलिए विलम्ब मत कीजिए। कन्या का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे दमाद से ही संतुष्ट होकर धन और बानों के साथ अपने उस दिन वो हर महीने संक्रांति पर इसी विधि से पूर्वक सदैव जी की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर वह अंत में सतलोक को चला गया। मैं सूजी कथा कहता हूँ सुनो इति अस्खलन पुराने रेवा खंड खष्टोध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। था वह दुख पाया एक दिन उसके वन में जाकर मृग अनेक पशुओं मर वृक्ष के नीचे सदैव को व्रत करता था जिसको गोपलों ने बांधों के साथ चिंता करने लगे। अहंकार से राजा आया सदैव को प्रसाद को अनादर किया उसका एक सौ पुत्र सब मर गए।
वह प्रसाद रख कर चल गए। राजा प्रसाद का अनादर करने से, इस तरह प्रसाद का अनादर करने से दुख पाया। वह राजा को 100 पुत्र सब मर गए, धन धनादि सब नष्ट हो गए। वह राजा अपने मन में विचार किया कि सद्या ही नष्ट कर दिए, इसीलिए उन्हीं के शरण में चलिए, क्योंकि मनोरथ पूर्ण उन्हीं से होगा। सद्या उसे प्रसाद से धन पुत्र युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर सतलोक को चला गया। प्राणी अति दुर्लभ है। इस सद्यव के व्रत करता हुआ भव्य होकर पवित्र फल देने वाले कथा को सुनता है। प्राणी अति दुर्लभ है, इसीलिए सत्यन प्रभु दान हो गए। भक्त होकर पवित्र फल देने वाले कथा सुनता है, उसको सद्यव से धन धनादि प्राप्त होते हैं। अंत केंद्र छूट जाए, भय संशय नहीं है। इसमें कोई पुनित व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक को जाता हूँ। सूर्य कहते हैं, विप्रो मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों में, जिसके करने से मनुष्यों सब दुखों से, विशेषकर सद्यव जी की पूजा कली काल में फल देने वाले हैं। इनको कोई कली काल मनुष्यों सब दुखों से, विशेषकर सद्यव जी की पूजा कली काल में फल देने वाले, उन्हें कोई काल कोई परमेश्वर कोई सत्यनारायण कोई सद्यव कहते हैं। अनेक रूप धारण किए हैं, सबको मनवाची फल देने वाले। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पाटता या सुनता है सब सद्यव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इति अस्करण पुराने खंड शतमोध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम चंद्रायण नमः स्वाहा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की। तो उसको फिर कर देता है।